एक राजा था, उसको इत्र का बड़ा शौक था, सुगंधी सुगंधी इत्र मंगा के रखता था और अपने कपड़ों पे लगाता। कईयों को शौक होता है, लगाए रखता था, दाढ़ी थी तो दाढ़ी में भी इत्र लगाता था, ऐसा शौकीन आदमी, मूछों पे थोड़ा लगा देता ताकि उसको भी सुगंध आती रहे, दाढ़ी पे लगा देता, कपड़ों पे लगा। एक दिन क्या हुआ कि वो इत्र लगा रहा था ना, तो एक दो बूंद इत्र की ढुल गई नीचे जमीन पर। तो लगा कि अरे मेरे कीमती इत्र ढुल गई, ओहो हो हो, इधर उधर देखा, फिर इत्र जो ढुली हुई थी ना एक बूंद, वो उठाई जमीन पर से गिरी हुई, उठाई और दाढ़ी में लगा दी ऐसा करके। लगाने के बाद राजा ने देखा कि एक मंत्री देख गया था कि जमीन पर एक बूंद इत्र ढुली, वो उठाकर उसने लगा दी। राजा को लगा कि अब ये मेरी नाक कटवाएगा कहीं, कि एक बूंद इत्र नीचे ढुली, वो उठाकर राजा ने दाढ़ी पर लगा दी, धरती पर से गिरी हुई, लोग वहाँ आते जाते अपने पैर रखते हैं, वही बूंद उठाकर दाढ़ी पर लगाई, ऐसी तो क्या कंजूसी। तो राजा ने अपनी धाक जमाने के लिए एक दिन दरबार में सभा लगी हुई थी, वो मंत्री भी बैठा था। राजा ने क्या किया कि अब राजा था तो संपत्ति की तो कमी नहीं थी, एक घड़ा छोटा सा इत्र से भरा हुआ वो अपने सामने मंगवा के रखा और जानबूझकर कि भाई मेरे को कोई पड़ी नहीं है, कितना भी उत्र ढुल जाए, कोई एक दो बूंद की तो बात ही क्या है, जानबूझकर ठोकर मारी और इत्र का जो छोटा घड़ा था वो ढुल गया। राजा धीरे से चुपके से नजर घुमाकर देखता है कि वो मंत्री देख रहा है कि नहीं देख रहा, कि भाई इतना इत्र ढुला जा रहा है मेरे को कोई परवाह नहीं। देखा कि वो मंत्री देख रहा है कि इत्र सामने ढुल रहा है घड़े में से। राजा खुश हुआ कि अब मेरी इंप्रेशन जम जाएगी कि भाई मैं कोई ऐसा नहीं कि एक बूंद नीचे से उठाकर दाढ़ी में लगाऊं। पर मंत्री ने कहा, राजन एक घड़ा तो क्या, कई घड़े भर के आप इत्र ढोलो उससे क्या हो जाएगा, पर जो एक भूल हो गई वो तो हो ही गई, उसकी भरपाई नहीं हो सकती, उसको आप वो उसकी कवर रिकवरी नहीं कर सकते, वो तो हो गई। भूल छोटी सी भी हो, भूल तो भूल है। एक बूंद इत्र उठाई थी, घड़ा भर के ढोल दी, पर उससे वो भूल सुधर नहीं सकती। व्यक्ति को अपने जीवन काल में ये छोटी सी कहानी प्रेरणा देती है कि सावधान रहना चाहिए। सावधानी का नाम भक्ति है, साधना है। और सावधानी क्या है कि मुझे किसी से कोई सुख नहीं चाहिए, बस ये सावधानी है।